मुख्यमंत्री निवास पर रखे गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 परिवारों को पट्टा देकर प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान को विधिवत शुरू किया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का है, इसलिए हमने गांधी जयंती का दिन चुना है। वो प्रशासन शहरों के संग हो या गाँव के संग हो, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास होता है, इसलिए आज गांधी जयंती को चुना। मुझे उम्मीद है कि जनता के सहयोग से दोनों अभियान बहुत शानदार तरीके चलेंगे, कामयाब होंगे और सबका सब लाभान्वित होंगे। पेंशन हो चाहे वो और कोई योजनाएं हो, मैं उम्मीद करता हूं कि पहले 12-13 को भी हमने बहुत शानदार अभियान चलाया था, पर ये अभियान भी बहुत शानदार चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल के दौरान शानदार प्रबंधन हुआ, हमारा कोई भूखा नहीं सोए संकल्प साकार हुआ। रीट भर्ती के दौरान केवल आह्वान पर लोग आगे आए, हमने अभ्यर्थियों के खाने से लेकर यात्रा तक फ्री करवाई, जिसकी देश भर में तारीफ हुई। कोरोना के अंदर हम लोग कामयाब हुए, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोआ, पब्लिक आगे आगे और शानदार प्रबंध हुआ। पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया के मुल्क में जहाँ जहाँ खबरें पहुंची, चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे हमारी व्यवस्था हो, बहुत शानदार व्यवस्था। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया और कहा, भागवत, मोदी और शाह केवल गांधी का नाम ही ना ले, उनके विचारों को भी अपनाए, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आज इस मुबारक मौके पर मोहन भागवत जी को, मोदी जी को और अमित शाह जी को, बाकी लोगों में क्या कहूँ, उनको मैं दिल की गहराई से कहना चाहूंगा, कृपा करके अगर आपने अपना लिया है और देश से माफी मांगोगे नहीं मांगोगे, हमने पहले क्यों नहीं अपना छोड़ दें, उस बात को भी छोड़ देंगे। कम से कम अब जो है आपके दिल के अंदर कोई भाव आने चाहिए सत्य के, अहिंसा के, धर्मनिरपेक्षता के। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी ही नहीं, वापस हमारी सरकार भी बनेगी, फिर धारीवाल को UDH मंत्री बनाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ अभी तक एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है, हम जो भी आह्वान करते हैं उनका पब्लिक साथ देती है। तो इसलिए आप निश्चिंत हो, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, और मैं भी बड़ा बड़ा सोच रहा था 5 साल नहीं चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और धारीवाल जी को मैं बनाऊंगा वापस, इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा वापस, पोर्टफोलियो मैंने दे दिया इनको। पहला बड़ा सोच रहा था, बहुत मेहनत करी इन्होंने, अगला वापस सरकार बने, सेम पोर्टफोलियो, चौथी बार, 3 बार तो रह गए इनके पास में पोर्टफोलियो, चौथी बार पोर्टफोलियो इनके पास है। गहलोत ने आमजन से आह्वान किया है कि सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो चिकित्सक की सलाह जरूर ले, और कहा कि अभियान का भी पूरा लाभ उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती के दिन से और 31 मार्च तक के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान, शहरों के संग अभियान का आगाज किया है। इसमें शहरी क्षेत्र में लगभग 10 लाख पट्टे दिए जाएंगे। गांव में मैक्सिमम लोगों को क्या बेनिफिट दिया जा सकता है, 23 तरह की चीजों के लिए दावा किया है कि उन विभागों के काम हो सकेंगे। तो यहां बात यही नहीं रुकती है, जब राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि प्रतिपक्ष सहित हमारे कुछ साथियों को लगता है कि सरकार कब जाएगी, जा रही है, सचिवालय में भी चर्चा होती है अधिकारियों के बीच, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, चौथी पारी खेलने के लिए फिर आ रहा हूं। यानी कि सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी, धारीवाल एक बार फिर नगरीय विकास मंत्री बने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांधी के विचार प्रासंगिक थे, हैं और आगे भी रहेंगे।
भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पिछले कुछ सालों से नाम तो लेते हैं गांधी जी का, लेकिन उसके उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते हैं। ऐसे में उनके विचारों का अगर अनुसरण करें तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, ना किसी तरह की कोई तुष्टिकरण की बात आएगी, ना हिंदुत्व की बात आएगी, ना राष्ट्रवाद की बात आएगी। तमाम चीजें गांधी के जीवन और विजन में समायोजित हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो तीन बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं उस पे मैं राठौड़ साहब आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले जो ये अभियान है उसको लेकर के क्या रिएक्शन आपका? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि वो पट्टे वितरित करने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी मशीनरी एक्टिव नहीं है। अभी देखिए पटवारियों की हड़ताल चल रही है। अब आप जानते हैं कि बिना पटवारी के वो पट्टे कैसे देंगे। पहले बीडीओ की हड़ताल चल रही थी, उनसे उन्होंने और कुछ बातचीत कर करा करके रास्ता निकालने की कोशिश की है। और जब ये इस प्रकार नीचे के अधीनस्थ कर्मचारी जो जिनको की पेपर पर काम करना है, जिनको धरातल पर उतारना है, वो लोग यदि सहयोग नहीं करेंगे तो ये काम होने वाला नहीं है। दूसरा, ये 1999 से पहले के पट्टे जो बहुत पहले जारी हो चुके थे, ये सब अभियान हम चला चुके हैं पहले, भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाया और समय समय पर ये कार्यक्रम होते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई पूर्ववर्ती सरकार ने भी चलाया। हाँ बिल्कुल चलाया था, बिल्कुल चलाया। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि हमने भी ये चलाया था अभियान, तो 1999 ही टारगेट रखा था पहले, उससे पहले के जो जो कब्जाधारी हैं। लेकिन अब इसमें आप देखिए ना कि कोई कहीं पर भी बैठा है, ये एक एक तुष्टिकरण जो करना चाहते हैं ना, ये मैं सोचता हूँ कि ठीक नहीं है। जिस ढंग से ये सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा है, कोई रास्ते में कब्जा करके बैठा है, कोई गोचर भूमि पर कब्जा करके बैठा है, कोई जो ये संभव नहीं है। ऐसे ऐसे कई गांव के गांव ये बसा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये भी ठीक नहीं है। इनको चाहिए कि जनहितों की अनदेखी नहीं होने दें, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करें, जनता को संतुष्ट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जनहितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए नीचे की जो मशीनरी है उस मशीनरी को चाक चौबंद एक्टिव करना पड़ेगा। अब जब मशीनरी में इस प्रकार का भाव पैदा हो गया कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा, तो मैं सोचता हूँ वो पूरा सहयोग करने वाली नहीं है मशीनरी। ये एक इनके सामने समस्या आएगी। वापस आ रहा हूँ आपके पास में, ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। अभियान की तो तारीफ कर रहे हैं राठौड़ साहब, लेकिन मशीनरी एक्टिव नहीं है, कोई हड़ताल पे है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से मन से काम नहीं कर रही, ये राठौड़ साहब का कहना है? नहीं देखिए, मेरे को लगता है कि ये राठौड़ साहब ने जो कहा है थोड़ी सी जल्दबाजी है इनके कहने में, क्योंकि अगर मैं अपना अनुभव अगर बताऊं, प्रशासन शहरों के संघ अभियान जब मैं मेयर थी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, उनके नेतृत्व में ही तब भी प्रशासन शहरों के संघ अभियान चलाया गया था, और केवल जयपुर नगर निगम के माध्यम से 14,000 से ज्यादा पट्टे दिए गए थे, और अगर जेडीयू को भी शामिल कर लेते लगभग 25,000 से ज्यादा पट्टे उस समय जयपुर शहर में दिए गए थे, और शायद ये बहुत बड़ी रिकॉर्ड संख्या थी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जयपुर शहर में पट्टे दिए गए थे। तो ये कह देना कि नहीं अभियान में मशीनरी काम नहीं करी, मुझे लगता है सबकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जनप्रतिनिधि भी अपनी बहुत सक्रिय भागीदारी निभाएं, चाहे वो सभापति हों, चाहे चेयरमैन हों, चाहे मेयर हों, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करें। कहीं भी अगर उनको लग रहा है कोई ऑफिसर अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्योंकि मैं खुद अगर अपना अनुभव बताती हूँ तो मैं खुद हर रोज कैंप में खुद जाकर के बैठती थी, हर रोज किसी न किसी कैंप में औचक खुद जाकर के बैठती थी। साथ ही साथ जो एम्पावर्ड कमेटी जो बनाई गई है चेयरमैन और सभापति और मेयर की अध्यक्षता में, जिसमें उनको पावर्स दी गई है कि अगर उस समय जनता की कोई समस्याएं सामने आती हैं तो बोर्ड की पावर उनको दे करके, और सरकार की भी कुछ पावर्स उधर डेलीगेट की गई हैं, जैसे पहले 1500 वर्ग गज तक के ही वो काम कर सकते थे, अब 3000 वर्ग गज तक के कर सकते हैं। स्ट्रीट जो खांचा भूमि होती है उसकी भी उन्होंने वो बढ़ा दी है। तो इस तरह के जो, तो वो एम्पावर्ड कमेटी की बैठक रोज सुनिश्चित करना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो बैठक रोज हो। अगर इस तरह की बैठक रोज होगी, मॉनिटरिंग रोज होगी, तो जो राठौड़ साहब का जो एक संशय पैदा हो रहा है कि मशीनरी ढंग से काम नहीं करेगी, वो मशीनरी निश्चित रूप से ढंग से काम करेगी। और ना केवल जनप्रतिनिधि, मैं यूं कहूंगी विपक्ष में भी, अगर ऐसा तो है ही नहीं, सभापति चेयरमैन भाजपा के भी बहुत सारे हैं, और पट्टा अगर मिलता है तो वो सभी क्षेत्रों की जनता, चाहे वो उससे नहीं फर्क पड़ता है कि वहां पे बीजेपी है कि कांग्रेस है, उस क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत मिलती है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। केवल यही नहीं, अगर आप देखेंगे योगेंद्र जी,
जैसे कह रहे हैं कि 1999 ही क्यों लागू की गई, अगर हम जैसे फिर मैं जयपुर शहर का एग्जांपल दूं, तो जयपुर शहर में उस समय भी जब पिछली बार भी जब अभियान चला था, जो परकोटा जो क्षेत्र है, वॉल सिटी जो एरिया, जो राजा महाराजाओं की दीवी जमीन है, बहुत पुरानी जमीनें हैं जिनका कोई रिकॉर्ड भी हम यूं कहते हैं कि वो बहुत पुराना है और कभी पट्टे नहीं मिले, परकोटे में रहते हैं लोग, जैसे आज हम ही है, तो अगर हम हमारे मकान में 250 सालों से रह रहे हैं, 250 सालों से हमारा परिवार उसमें रह रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के पास भी पट्टे नहीं होते हैं क्योंकि पट्टे कभी दिए नहीं गए। तो 69A की धारा को उपयोग में करके जो इस बार लाखों की संख्या में ये जो पट्टे दिए जाने हैं, ये कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई अवैध निर्माण नहीं है, बरसों से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने खुद का ही एग्जाम्पल दिया कि मैं जिस मकान रहती हूँ वो 250 सालों से हमारा परिवार उस मकान में रहता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे मकान शहरों में, निश्चित रूप से बहुत सारे रास्ते इस अभियान के जरिए खुले हैं। पहले स्टेट ग्रांट के पट्टे नहीं मिल पाते थे, अभी जो पट्टे मिल पा रहे हैं आपको, अगर पहले राजा महाराजाओं के वक्त अगर किसी को जमीन मिली जिसको ये मनी माना, जैसे आप स्टेट ग्रांट वाली बात की जा रही है, कुछ कच्ची बस्तियां ऐसी थी कि जो होते हैं पट्टे, बहुत सारी चीजों को किया। अभी आवासीय अगर कॉलोनी या आवासीय मकान अगर कृषि की भूमि पर बना हुआ है पर्टिकुलर कास्तकार का, तो उसको भी अभी पट्टा दिया जाएगा। बाड़े अलॉट हो गए थे लेकिन उसमें मकान बना लिया, उसके नहीं बन पा रहे थे पट्टे, उसके भी पट्टे दिए जाएंगे। कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं। श्याम जी, इस अभियान को लेकर के कहें कि एक बड़ी राहत मिल सकती है जनता को, क्योंकि पट्टा उसका एक सपना भी होता है। देखिए योगेंद्र जी, ये मान के चलिए सरकार के 3 साल पूरे हो गए, अब आने वाले 2 साल में सरकार वो चीज करेगी जो कि वोटों के लिए उसको इजाफा हो। आज मुख्यमंत्री की बाकायदा ये बात है, 10 लाख पट्टे अगर प्रदेश में जारी हो जाते हैं, एक परिवार में 5 लोग होते हैं करीब, तो 50 लाख का टारगेट बनाकर चलते हैं। तो कांग्रेस को आने वाले समय, जो आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी, और आज उस मुद्दे पे आऊंगा। मैं भी अभी प्रशासन गाँव और शहर अभियान पे ही सीमित रहना चाह रहा हूँ, उस पर आऊंगा आपके पास में। मैं प्रशासन शहर की और गाँव की और हर सरकार अभियान चलाती है, और आज सरकार ने, क्योंकि निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्देश हैं, इस कारण से 99 वाला मामला जो आ रहा है वो इसलिए तय किया है कि इससे आगे वाले आप नहीं दे सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इससे आगे हम नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें पेचीदगी है, इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार चाहती थी कि 2007 तक के, 2010 तक के, 11 तक के जो घेर रखे जमीन उसको अलॉट कर दे, लेकिन नहीं कर पाए वो। लेकिन ये बात है, अभियान के तहत निश्चित रूप से आम लोगों का भला होता है, और जैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि नहीं हो पाते हैं, लेकिन शासन के लोग यदि गांव में जाकर के बैठते हैं या शहर के किसी वार्ड में जाकर के सब एक साथ बैठते हैं, तो निश्चित रूप से वो काम हो जाते हैं जो कि चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो लोगों को फायदा तो होगा निश्चित रूप से, इसमें दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से अभी क्योंकि 3 जिलों में तो चार तीन या 3 जिलों में तो इसको प्रभावी नहीं मान रहे, क्योंकि चुनाव प्रचार हो गया और वहाँ 31 अक्टूबर के बाद लागू होगा। ये प्रशासन शहरों की ओर 1 महीने का कार्यक्रम नहीं है, ये 6 महीने तक कार्यक्रम होगा, तो 6 महीने तक प्रचार प्रसार का सरकारी माध्यम से दोनों पक्ष उठा सकते हैं। वैसे तो सत्ताधारी पार्टी ज्यादा उठाती है फायदा, लेकिन मैं देख रहा था कि जयपुर में ग्रेटर नगर निगम में सील धाबाई जी ने आज पट्टे बांटे, वो तो बीजेपी की है लेकिन फिर भी पट्टे बांटे, क्योंकि यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, सरकार ने एक यही ज्योति जी ने कहा कि जो सभापति हैं, चेयरमैन हैं, मेयर हैं, वो जिस भी पार्टी को उन्हें अधिकार दिया गया है कि उन्हें ये काम करना है। देखिए क्या कि लोगों से जुड़ने के लिए और अपनी चीजों को बताने के लिए प्रशासन शहरों की और गाँव की ओर अच्छा कार्यक्रम है, इसको प्रभावी ढंग से लागू कैसे किया जाए, कुछ कर्मचारी कुछ अधिकारी नाराज है उनको कैसे मनाया जाए, ये सही बात है, जब तक प्रभावी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने देखिएगा शहरी मित्र बना करके एक नया रास्ता खोल दिया, मत आए कर्मचारी, मत आए कोई भी, ये तो अपने नए तरीके से उन तक इस कार्यक्रम को कराने में सफल हो जाएंगे। तो एक नया सरकार ने मुद्दा लिया, क्योंकि सरकार के कर्मचारी ऐसे टाइम में अगर आप हड़ताल करते हैं कुछ करते हैं तो वो सोचते हैं कि सरकार को गरज है, हमारे से समझौता कर लेंगे। तो इस प्रकार से सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए, और निर्णय लेकर के, क्योंकि काम लोगों के नहीं होंगे तो आप इस प्रकार सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से। श्याम जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। राठौड़ साहब, इसी अभियान के दरमियान कुछ बातें कही हैं कि हमने कोशिश की, गांधी जी का सपना था कि हर अंतिम व्यक्ति तक जो आज व्यक्ति बैठा हुआ है उसके सपने पूरे हों, गरीब के बारे में सोचा जाए,
सर्वोदय तभी होगा जब सबका उदय हो पाएगा। ये गांधी जयंती को चुनावी इसी वजह से है कि सबको पट्टे मिल सके, लेकिन ये कहा कि पिछले कुछ साल से भागवत साहब, मोदी साहब, अमित शाह साहब यानी कि बीजेपी, आरएसएस, गांधी जी का भी जिक्र करते हैं और उन्हीं के विचारधारा के आदमी ने उनकी हत्या की थी। चले कोई बात नहीं वो भी, लेकिन उनके विचारों का अनुसरण भी करना चाहिए। वो अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, केवल बस राजनीतिक मायने के लिए उनका नाम लेते हैं। देखिए वास्तव में राजनीतिक मायनों के लिए उनका नाम का उपयोग तो गांधी परिवार कर रहा है, जो आज का गांधी परिवार है, जो केवल गांधी जी के नाम से ही अपनी रोजी रोटी चला रहा है। मैं सोचता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। अब देखिए 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, इतना लंबा कार्यकाल गुजरा है, यदि इनको कुछ गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका यदि विकास करना था, उसको समृद्ध करना था, तो कर चुके होते। इतने वर्षों तक केवल मजाक बना करके केवल गांधी जी के नाम पर जनता को ठगने का काम किया, मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। आज अब ये कैसे गांधी है, क्यों बार बार गांधी जी करते हैं? अरे गांधीवादी समाजवाद की जो उसको अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का नाम दिया। ज्योति जी मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, नहीं समझे तो मैं आपको साहित्य भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। और साहित्य ही नहीं, हमने काम करके दिखाया है। हमने देखिए अंत्योदय योजना गौरव सिंह जी शेखावत ने शुरू की थी, तो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके विकास के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए हमने काम किया। हमारा समय कम रहा राज करने का, आपका ज्यादा रहा है। यदि आपके मन में शुद्ध भावना होती तो कर चुके होते। और फिर अभी भी ये गांधी जी की हत्या को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया भाई, उस फैसले के अनुसार आप चलो ना, कोर्ट को तो मान्यता दो। जिस कोर्ट ने बिल्कुल फैसला इस प्रकार का दिया कि ये ऐसी बातें कभी जिंदगी में करना नहीं चाहिए, जो आज भी कर रहे हैं, भड़काने का काम आज भी कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हमारी मानसिकता, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गांधी जी की हत्या का कोई जिक्र मत करिए? नहीं, ये बात नहीं है, हमसे जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, हमारी मानसिकता से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं ना, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। ये बार बार इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि आपकी मानसिकता का व्यक्ति था, अरे आपकी और हमारी मानसिकता में कौन सा पहलू जो है जिसको आप जोड़ने का काम कर रहे हो? और गांधी जी के कब तक गांधी जी के नाम को ठगते जाओगे भाई, आप इसी बात क्यों कर रहे हो? अब मैं एक बार जवाब दिलवाता हूँ, इसी मुद्दे पर जवाब दिलवा रहा हूँ आपको एक बार ज्योति जी से। ज्योति जी, अभी आपने सुना राठौड़ साहब को कि हम तो अनुसरण ही गांधी जी का कर रहे हैं और आप लोग गुमराह कर रहे हो जनता को, आप केवल बस उनका उपयोग कर रहे हो, यानी कि राजनीतिक मायने अपने पूरे करने के लिए उनको काम ले रहे हो। देखिए जिन गांधी जी को, जिन नेहरू जी को बीजेपी हमेशा से, यूं कहूं कि जिनके बारे में गलत बोलती रही, जिनको कोसती रही, पता नहीं क्या 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 कहती रही, पर गांधी एक ऐसी विचारधारा है, गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे जिसे अपनाना हर भारतीय की आवश्यकता है, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। पहचान है वो, एक विचारधारा है वो, जिसको अपनाना ही होगा, यही भारतीय की पहचान है, इसलिए बीजेपी को ही अपनाना ही पड़ेगा। हमें तो इसमें कोई डाउट भी नहीं था कि आपको नाम लेना ही पड़ेगा गांधी का, आज नहीं लोगे तो कल लोगे, कल नहीं लोगे तो परसों लोगे, लेना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी उनके खिलाफ आज कुछ भी बोलते रहो, चाहे उनकी हत्या की एक विरासत जो आप चाहे साथ लेकर के चलो। हम क्या गलत बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं कि जिस संगठन से आप जुड़े हुए हो, उसी मानसिक उसी विचारधारा के व्यक्ति ने हत्या की, इसमें हमने क्या गलत बोला? कुछ गलत तो बोला ही नहीं। और जहां तक उन्होंने बात की कि अंतिम व्यक्ति के मेहरू सिंह जी ने अंत्योदय योजना चलाई, ये माननीय अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने निशुल्क दवा योजना चलाई, निशुल्क दवा जांच योजना चलाई, ये माननीय अशोक गहलोत जिन्होंने हर पेंशन, हर वृद्धावस्था वृद्ध व्यक्ति को, हर विकलांग व्यक्ति को, हर विधवा व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए योजना चलाई, ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने कि गांवों में मनरेगा के नाम से जो रोजगार योजना दी, ये कांग्रेस ही थी। हम तो चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी शहरों में भी ऐसी रोजगार योजना शुरू कर दें जिससे कम से कम शहरी जो युवा है, जो रोजगार बेरोजगार घूम रहा है, परेशान हो रहा है, उसको भी लाभ मिले। करिए ना, अच्छी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ी, अगर हमने राज किया है तो हमको राज जनता ने इसलिए दिया क्योंकि हम जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करते रहे, जनता हमें सपोर्ट करती रही, जनता हमारा साथ देती रही क्योंकि हम जनता की भावनाओं के अनुरूप काम किया। तो इसलिए जब आप एक तरफ तो खुद के ऊपर जब बात आती है तो जनता के ऊपर बोलते हो, दूसरी तरफ जनता को आप जनता के महत्व को ही नकार देते हो। भाई कांग्रेस पार्टी भी कोई तानाशाही से नहीं आई है, वो भी लोकतंत्र में बार बार चुनाव लड़के जीत के जनता का साथ पाके जनता के हित के काम करके तब सत्ता में आई है।
और इसलिए हम उस लोकतंत्र को इसलिए हम स्वीकार करते हैं। चलिए बात सत्ता की है, सत्ता की बात है। मैं क्योंकि इन तीनों बिंदुओं को छूना चाहता हूँ, ये गांधी जी पर खैर अपना अपना है, लेकिन अशोक गहलोत ने पूरी तरह से निशाना साधा, हमला किया। एक बात और कही है राठौड़ साहब की, जिक्र किया कि आप लोगों ने जो अभियान चलाया और कहा कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलते हैं, तो उन बाकायदा स्वीकार किया कि 34 दिन तो आप लोगों की कृपा से मैं होटल में रहा, घर में कब रहा मैं, कभी जैसलमेर रहना पड़ा, कभी जयपुर रहना पड़ा, लेकिन प्रदेश की दुआओं से सब कुछ ठीक हो गया और फिर मैं सरकार की वापसी कर रहा हूं। और धारीवाल जी एक बार फिर नगरीय विकास मंत्री बनेंगे, ये जनता का आशीर्वाद मेरे प्रति है और मैं उसी की वजह से मैं कह रहा हूं। एक बारी और खेलने की बात कर रहे हैं गहलोत, एक बात मैं आपसे बताऊं साहब, ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी कृपा से आप होटल में रहे, अरे भाई हमारी नहीं, आपके भाई सचिन पायलट की कृपा से आप रहे, आपके माननीय विधायक जो आपका कैडर नहीं है, गिरा हुआ कैडर है, उस कैडर के कारण से आप होटल में रहे कि आपको सत्ता जाने का भय था। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि देखिए, आज यदि अशोक जी कह दे कि हमारी सरकार अब दोबारा नहीं आएगी तो उनके साथ में एक भी व्यक्ति रहने वाला नहीं है, सभी वो नाव छोड़ छोड़ के डूबती नाव में कौन रहेगा, इसलिए उनको तो ये कहना ही पड़ेगा कि हम दोबारा आएंगे, हम जा नहीं रहे। वो यदि कह दे कि हम जा सकते हैं तो कौन आएगा बताओ, उनके साथ में कोई भी नहीं रहने वाला है। इसलिए ये उनकी एक अपने आप को खुश रखने के लिए और इनको जोड़े रखने के लिए, ताकि मधुमक्खी के छत्ते के साथ में शहद के भरोसे लोग चिपके रहें। अब आप देखिए ना, आज कई बीमार भी हो गए, किसी को हार्ट की तकलीफ भी हो गई, उसको ये लगा होगा कि अरे मेरे को मंत्री नहीं बना रहे हैं, तो शायद है कि वो भी इसी कारण से बीमार होकर के अस्पताल में भर्ती हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ज्योति जी मैं आपकी नहीं कर रहा, शासन के साथ ही अलग अलग बातें, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो खुश हैं, आपको टिकट मिलेगा और आप शायद चुनाव लड़ेंगी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। एक बात, कहीं से भी लड़ेंगी, क्या कहना चाह रहे हो आप, तो आप तो चुनाव लड़ेंगी, कहीं से भी लड़ेंगी। हाँ, वो जहाँ ये जहाँ चाहेंगी, ज्योति तो ज्योति जलती रहेगी, कहीं भी रहे भले। लेकिन मैं एक बात आपसे बताऊं, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये देखिए, केवल अपने आप को मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये वो ले रहे हैं, और ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे, वो ले खुशफहमी में जिंदा रहे, लेकिन उनके विकास करे, टीम को जोड़े रखे। उनकी टीम बिखरी हुई है, आज वो क्या कह रहे हैं खुद ही स्वीकार करें, हमारे अपने ही लोग ऐसा कह रहे हैं, दूसरा सचिवालय में ऐसी चर्चा है। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ, ज्योति जी से जवाब दिलवाता हूँ, ज्योति जी से जवाब दिलवाता हूँ, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ये बयान मजबूरी में दिया हुआ बयान है? बिल्कुल नहीं, मैं यूं कहना चाहूंगी कि बल्कि हम यूं कहते हैं बीजेपी से, बीजेपी कहती है कि नहीं आपके यहाँ अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है या कोई और है, लेकिन कुल मिलाकर वो कहते हैं कि ये नहीं बनेंगे साहब, ये बनेंगे, लेकिन बनेगा तो कांग्रेस का ही, कांग्रेस का ही सीएम ना बनेगा, तो कांग्रेस का ही सीएम ना, बीजेपी का तो बन नहीं रहा है, बीजेपी का तो नहीं बन रहा है, ये बात बीजेपी भी स्वीकार करती है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी का तो नहीं बन रहा है सीएम, कांग्रेस का ही सीएम बनेगा। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रही हूँ, देखिए जहां तक चर्चाओं की बात होती है, बहुत सही बात है, अगर कहीं कुछ जैसे बार बार बीजेपी अगर कोई बात कहती है तो उसकी कोई चर्चा बनती है, तो उसको अगर मुख्यमंत्री जी साफ गोई से अगर स्वीकार करते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो ये लोकतंत्र की अच्छी बात है। मुझे तो लगता है हम कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि लोग आपको बोलते रहे, आपसे सवाल पूछते रहे, आपसे आग्रह करते रहे कि भाई जवाब तो दो, आप जवाब तो, आपने कहा था 40 दिन बाद नोटबंदी, 40 दिन बाद अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो मैं बीच चौराहे पर आ जाऊंगा, यहाँ पे टेररिस्ट खत्म हो जाएंगे नोटबंदी से, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, मैं इन सब बातों का जवाब दूंगा। आप कभी जवाब देने आगे तो आओ, चर्चाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन बीजेपी की आदत नहीं है लोकतंत्र की, इसलिए वो जवाब देने में विश्वास नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई चर्चा हो रही है तो उसको बहुत साफ गोई से स्वीकार किया, साफ गोई से उसका जवाब दिया, एक अच्छी बात है। लेकिन मैं दूसरी बात, योगेंद्र जी आप एक मिनट, समय कम है, जो शासन शहरों के संघ अभियान की जहां तक बात है, तो मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, लोगों से अपील भी करना चाहती हूं कि केवल पट्टे ही नहीं, प्रशासन शहरों के संघ अभियान का काम केवल पट्टे देना ही नहीं है, और बहुत सारे काम है, चाहे वो लैंड यूज चेंज का काम हो, चाहे खांचा भूमि का काम हो, चाहे विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के काम हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कई बार लोगों को कई किसी जन्म नाम चेंज करवाने का काम हो, बहुत सारे काम है, तो लोग इसमें बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी निभाए, जिससे कि हमें अभियान को। आखिरी सवाल श्याम जी आपसे है मेरा, एक सवाल आखिरी आपसे श्याम जी मेरा है, दो बातें जो कही, एक तो आरएसएस और मोदी शाह, उनको लेके साफ कहा है कि पिछले कुछ साल से ये लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं गांधी के नाम पर, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अनुसरण भी करे। और दूसरा, अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों को संशय हो रहा है कि मैं जाने वाला हूँ सचिवालय से लेके
गलियारों में चर्चा होती है, बीजेपी के लोग कान लगाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मैं वापसी कर रहा हूं। दो बातें इन्होंने कही, प्रतिपक्ष पर हमला और वापसी की, कैसे देखा जाए इसे? योगेंद्र जी, आज मुख्यमंत्री जी जिस समारोह में बोल रहे थे उस समारोह की आवाज गांव तक जा रही थी। 11,000 से अधिक पंचायतें जुड़ी हुई थी, शहरी निकाय 213 करीब हैं, वो सब जुड़े हुए थे। तो ये मौका बहुत अच्छा था जब विपक्ष पे भी उन्होंने प्रहार किया और अपने लोगों के ऊपर भी प्रहार किया, और ये कहते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं तो अब ठीक हो गया हूं, आम लोगों की दुआओं से उन्होंने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया कि मैं आम लोगों की दुआओं से ठीक हो गया हूं और 10 से 20 साल तक कहीं जाने वाला नहीं हूं और मेरी सरकार रिपीट कर रही है मतलब सरकार। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी संचय किया कि हमने बहुत काम किए, 56 भी आए और 21 भी आए, तो अभी तो सरकार के खिलाफत वाला माहौल नहीं है। उन्होंने साहब कहा अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन चुनाव आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शंकाएं तो मुख्यमंत्री के दिमाग पे भी चल रही थी, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को भी घेरा, विपक्ष को भी घेरा और साफ तौर पर प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर आरोप भी लगाया कि वो किरण महेश्वरी को हराना चाहते थे और फिर वो बाद में भी उनकी परिवार को भी हराना चाहते थे। वो बहुत कुछ बोल गए और इशारों इशारों में कई जगह निशाने कर गए। अब निशानों का प्रभाव आने वाले समय में कांग्रेस पे भी पड़ेगा और विपक्ष पे भी पड़ेगा, तो प्रहार पे क्या बोलेंगे अभी तक कोई, क्योंकि प्रतिक्रिया अब आना शुरू होगी। तो निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर परिप्रेक्ष्य में जो कुछ मुख्यमंत्री ने कहा वो राजनीतिक, जो जिसे कहते हैं ना कि राजनीति के वो जादूगर हैं और राजनीति के रूप में परिपक्व तरीके से बोले हैं वो, और अपने साथियों को कहा कि आप मजबूती के साथ रहिए, हम जनता के काम करेंगे तो जनता ही हमको जिता के भेजेगी। तो गांधी जी के बारे में जो कहा उन्होंने, गांधी जी तो भारत के राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्रपिता के बारे में अब किसी को एकाधिकार नहीं मिल सकता, कांग्रेस का भी नहीं है, अब भाजपा चाहती है। श्याम जी मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। चलिए, एक बड़ा राज्य स्तरीय समारोह जिसमें जिनको पट्टे की उम्मीद है पंचायत स्तर पर अशोक गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। श्याम जी का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने भरपूर बुनाया, अपनी आवाज जनता तक पहुंचाई, लाभ जो अभियान शुरू किया लाभ देने का, उसके साथ साथ अपने एजेंडे पे भी उन्होंने सबको अलर्ट भी कर दिया और अपनी बात भी कह डाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।